क्या कैप्टन अमेरिका की टीम बैटमैन की टीम को डिफीट कर सकती है? तो चलिए वन बाय वन दोनों टीमों के मेंबर को कंपेयर करते हैं। पहले बैटमैन और आयरन मैन का बैटल करते हैं। धोनी ने टाइम मशीन को इन्वेंट किया और उसने 6 स्टोन की पावर को होल्ड करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी बना दिया। अगर दूसरी ओर हम बैटमैन को देखें तो उसने क्रिप्टोनाइट का एक ऐसा वेपन बनाया जिसे सुपरमैन को आराम से डिफीट किया जा सकता था। अब सेकंड बैटल है कैप्टन अमेरिका वर्सेस वंडर वुमन। बाकी ये बैटल एक तरफा है। मगर क्यों? क्योंकि वंडर वुमन स्टीव से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर कैप्टन अमेरिका के हाथ में म्योनियर हो तो ये बैटल पक्का ड्रॉ होगा। एक लास्ट बैटल बचता है हमारा थोर वर्सेस सुपरमैन। यहाँ दोनों कैरेक्टर ही काफी पावरफुल है, जहाँ एक ने टूटते हुए तारे की एनर्जी को भी सहन किया है और दूसरी ओर सुपरमैन ने स्टेफन की कुलाड़ी को फूक मार कर तोड़ दिया। यहाँ तक स्टेफन को भी इजीली डिफीट कर दिया और सुपरमैन ने बैटमैन की पूरी टीम को बड़ी बुरी तरह से मारा है। इसीलिए मुश्किल लगी थोर डिफीट कर दे सुपरमैन को। मेरे अकॉर्डिंग बैटमैन की टीम कैप्टन अमेरिका की टीम से ज्यादा पावरफुल है। बाय द वे फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग कौन विनर होना चाहिए वो कमेंट जरूर करें और ऐसी मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।